नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, इस समय एक मामला जो है देश भर में काफी चर्चा में और मामले ने काफी तूल पकड़ा हुआ है। दरअसल मामला है उत्तराखंड की 19 वर्षीय बेटी अंकिता भंडारी के मर्डर केस का। आप सभी ने देखा होगा, मीडिया में इसकी काफी चर्चा हुई क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है। और हाई प्रोफाइल इसलिए बन जाता है कि अंकिता भंडारी जो एक छोटे से शहर से निकलकर होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर एक होटल में एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती है, उसको जबरदस्ती देह व्यापार में धकेलने की कोशिश की जाती है और वो जब मना करती है तो उसका मर्डर किया जाता है। इस घटना में जो आरोपी है वो आरोपी है उत्तराखंड के पूर्व भाजपा पदाधिकारी और पूर्व मंत्री का बेटा पुलकित आर्य। इसके लिए मामला ये काफी सुर्खियों में बना और हाई प्रोफाइल भी हुआ। ये घटना है 17 सितंबर को अंकिता के लापता होने की। अंकिता भंडारी जो कि पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली थी और ऋषिकेश के रिसोर्ट वनंत्रा रिसोर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करती थी। ये रिसोर्ट पूर्व भाजपा पदाधिकारी और मंत्री के बेटे पुलकित आर्य का है और इस रिसोर्ट में अंकिता को यह कहा गया कि वीआईपी आने वाले हैं, आप उनको स्पेशल सर्विस देना। ये स्पेशल सर्विस का मतलब सीधा सीधा वही है कि देह व्यापार की तरफ उसको धकेला जाना था। अंकिता ने इसके लिए मना कर दिया और अंकिता इस बात को उजागर करने वाली थी। अंकिता काफी हर्ट हो चुकी थी, इस बात को उजागर करने वाली थी। तो इस आरोपी पुलकित आर्य के साथ में दो और भी लोग शामिल थे, मैनेजर अंकित करके नाम था और एक और आरोपी था, तीन आरोपी कुल थे। तो इनको ये लगा कि ये हमारी पोल खोल देगी। इन्होंने इसको बहला फुसला कर एक नहर के पास लेके गए और वहां नहर के पास जाने के बाद काफी कहा सुनी हुई, इन्होंने उसको शराब भी पिलाई और अंत में नहर में धक्का देकर उसको गिरा दिया। नहर में गिरने के बाद में अंकिता लापता हो गई। ये खुद वहां से आए और इन्होंने खुद पुलिस में जाकर अंकिता के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई ताकि इनके ऊपर शक ना जाए। एक बार पुलिस में जब मामला दर्ज हुआ और पुलिस ने जांच शुरू की तब पुलिस ने लिंक बाय लिंक पकड़ते हुए यह पता कर ही लिया कि आखिरकार इन्हीं लोगों ने अंकिता को नहर में डाला था। क्योंकि कहते हैं कि अपराधी कितना भी अपराध से बचने की कोशिश करे, कितना भी अपराध को छुपाने की कोशिश करे, लेकिन अपराध जो है वो जाहिर होता है और इस मामले में ऐसा ही हुआ। तीन आरोपी में से एक आरोपी उसने राज उगला, उसके बाद में उसकी निशानदेही पे पुलिस ने अंकिता की लाश बरामद की और लाश बरामद करने के बाद में ये मामला पूरी तरह से खुल गया। लेकिन इस मामले में खुलने के बाद में जहां एक तरफ बीजेपी से जुड़े हुए नेता के बेटे का मामला था तो जाहिर सी बात है कि मामले को काफी हाईलाइट होना ही था, पॉलिटिकल लेवल पर इसको बढ़ना ही था। तो पॉलिटिकल लेवल पर हुआ भी वही और कई विरोध प्रदर्शन हुए। इसके बाद में भाजपा ने अपने नेता को निष्कासित कर दिया, बाप बेटे दोनों को पार्टी से निकाला गया। वहीं बाप का यह कहना था कि मैंने भाजपा से इस्तीफा दिया, उन्होंने अपना बयान भी दिया। उसके साथ ही ऋषिकेश प्रशासन ने तुरंत कार्यवाही करते हुए वो जो रिसोर्ट था उसके ऊपर कार्यवाही की और रिसोर्ट को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इसके पहले लोगों ने रिसोर्ट को आग के हवाले भी किया था। कई सारे विरोध प्रदर्शन हुए जो अभी भी जारी, यहां तक कि एक भाजपा विधायक महिला विधायक को भी विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा जब वो वहां गई थी। पुलिस द्वारा आरोपियों को ले जाने के समय आरोपी की पिटाई भी लोगों ने की, उसके भी वीडियो सामने आए और कुल मिलाकर यह मामला काफी तूल पकड़ लिया। अभी भी इस मामले में एक हैशटैग चलाया जा रहा है बकायदा ट्विटर के ऊपर और उस हैशटैग में ये लिखा जा रहा है कि जस्टिस टू अंकिता भंडारी को इंसाफ मिले। तो वास्तव में ये काफी शर्मनाक घटना इस समय घटी और इस घटना ने कहीं ना कहीं देश को शर्मसार कर दिया है। अब इस घटना के आरोपियों की क्या होगा और कानूनी प्रक्रिया है वो कोर्ट तय करेगी क्या करना है। लेकिन फिलहाल ये सवाल उठता है कि क्या इस तरह से कितनी अंकिता, कितने लोगों की जान जाएगी,
कितने लोगों के साथ में इस तरह के मामले सामने आएंगे। दूसरी बात, इन जो कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके उत्तराखंड के, उन्होंने ये सवाल उठाया कि कौन वीआईपी आने वाले थे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो कुछ एक्टिविस्टों ने ये सवाल उठाया कि जल्दबाजी में प्रशासन ने उस रिजोर्ट पर तोड़क कार्यवाही करते हुए उस रिजोर्ट में मौजूद सबूतों को मिटाने की कोशिश की। तो इस मामले में काफी गहमागहमी अभी भी देखी जा रही है और मामला काफी अभी भी बेहद तूल पकड़ा हुआ है। आज मामले को हो चुका करीब एक सप्ताह भर बीत चुका है, उससे अधिक बीत चुका है, लेकिन मामला अभी भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है और मामले में कहीं ना कहीं काफी एक तरफ उत्तराखंड सरकार घिरी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ पूरा का पूरा उत्तराखंड ही नहीं देश ही गुस्से में है। तो आगे देखा जाएगा इस मामले में क्या कुछ होता है। जो आप तस्वीरें और वीडियो देख रहे हो, तस्वीरें और वीडियो सब उसी मामले से जुड़े हुए हैं और आगे वीडियो में कुछ बयान भी है, वो आप देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। कहना चाहेंगे उसको लेकर, क्या आप लोगों को एहसास था कुछ इस बात का? नहीं, पुलकित आर्य मेरा बेटा था, लेकिन काफी दिनों से मुझसे अलग रह रहा था और हम जिम्मेदार लोग हैं और हमने ये तय किया कि जब तक जांच पूरी न हो और हमारे पद का दुरुपयोग न हो, इस कारण से मैंने कल जो है वो अपनी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया है और अब हमारे से कोई भी जांच या उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। हम चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी रहे और अंकिता को भी इंसाफ मिले और पुलकित आर्य को भी इंसाफ मिले। क्या लगता है कि आपको कुछ एहसास था इस तरह के, क्योंकि इस तरह की हरकतें वो करता है? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई हरकत कभी कहीं अपराध में कोई उसका नाम नहीं आया और अभी भी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो भी जांच में उसमें आएगा हम उसमें सहयोग करेंगे पूरा। पहले भी ये बीएमएस में एडमिशन को लेकर भी एक मामला अपनी जगह किसी दूसरे को एग्जाम दे? नहीं नहीं नहीं, ऐसी नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, वो भी इसी तरह का मामला है, ऐसी कोई बात नहीं है। कीड़ा जड़ी को लेकर भी वो नहीं नहीं भाई साहब, देखो ये तो कुछ भी कहेंगे लेकिन ऐसा कोई बात है नहीं, मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई। वो सीधा साधा बालक है, अपनी काम से काम ध्यान रखता है, बिजनेस में अपना काम है उसका। पार्टी ने आज आपको और आप अंकित दोनों को निष्कासित कर दिया, आयोग से भी हटा दिया है? नहीं नहीं, मेरी जानकारी में नहीं, मैंने तुमने तो कल ही अपना त्यागपत्र दे दिया था। अंकित को हटाया गया है? अंकित ने भी कल अपना त्यागपत्र दे दिया था और मैंने भी कल अपना त्यागपत्र दे दिया था इसी बात के लिए कि भाई कहीं जांच प्रभावित न हो। वहाँ जो आपके जो रिसोर्ट बना हुआ था क्या लीगल है? वो बिल्कुल लीगल है। कहा जा रहा है कि फैक्ट्री के नाम पे उसको? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। धन्यवाद। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, अंकितों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, अंकितों के फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।